तो आज के इस वीडियो में आपको जानकारी देने वाला हूँ कि ब्लॉगर पर वेबसाइट बनाने से पहले नाम कैसे रखना है। ठीक है दोस्तों, अगर नाम आप सही से रखते हो तो आपका वेबसाइट जो है रैंक करेगा और आपके वेबसाइट पे ट्रैफिक आएगा। ठीक है, और यहाँ पे बहुत सारा बात है जो कि वेबसाइट बनाने से पहले समझ लेना चाहिए, नहीं तो बाद में चल के दिक्कत हो जाएगा। तो इस वीडियो को जो है देखते रहना एंड तक। अगर ये जानकारी सही लगे तो कर देना है इस वीडियो को लाइक। तो चलिए अब आपसे ज्यादा टाइम लेंगे नहीं, अब करते हैं शुरू। तो सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप ब्लॉगर पे वेबसाइट बनाते हो तो आपको किस प्रकार से नाम रखना है। यहाँ पे सबसे पहली बात तो आपको बता दूं कि अगर आप वेबसाइट बनाते हो तो दो प्रकार का ही वेबसाइट बनाना, एक तो पहला साइडी वेबसाइट या न्यूज वेबसाइट। ठीक है, ये दो प्रकार का वेबसाइट आप बनाना। ठीक है, न्यूज वेबसाइट जो होता है दोस्तों, न्यूज वेबसाइट के अंदर में आप किसी भी प्रकार का पोस्ट पब्लिश कर सकते हो, यहाँ पे जैसे कि अलग अलग कैटेगरी बना के। ठीक है, जैसे कि आप इसके अंदर में जॉब से रिलेटेड पोस्ट कर सकते हो, मूवी से रिलेटेड पोस्ट कर सकते हो, मोटिवेशन से रिलेटेड पोस्ट कर सकते हो, यानी किसी भी प्रकार का पोस्ट आप पब्लिश कर सकते हो न्यूज वेबसाइट के अंदर में। और यहाँ तक कि आपको बताऊं तो आप जो है शायरी जॉक्स भी पब्लिश कर सकते हो न्यूज वेबसाइट के अंदर में। तो दोस्तों सबसे जो अच्छा वेबसाइट होता है वो न्यूज वेबसाइट होता है, और उसके बाद नंबर आ जाता है शायरी वेबसाइट का। अगर आप पर्सनल अलग से शायरी वेबसाइट को क्रिएट करते हो तो और भी अच्छी बात है, ताकि उसके अंदर में सिर्फ शायरी से रिलेटेड ही पोस्ट रहेगा, जैसे कि जॉक्स हो गया, फनी शायरी हो गया, मोटिवेशनल हो गया, क्वेश्चन और भी बहुत सारे होते हैं जो कि शायरी से रिलेटेड पोस्ट, तो उस प्रकार का पोस्ट आप पब्लिश कर सकते हो। लेकिन सबसे अच्छा जो वेबसाइट होता है दोस्तों न्यूज वेबसाइट होता है। तो यहाँ पे आपको बता दिया हूँ कि न्यूज वेबसाइट के अंदर में आप किसी भी प्रकार का पोस्ट पब्लिश कर सकते हो। तो चलिए अब यहाँ पे नाम कैसे रखना है आपको। तो नाम रखने से पहले आपको करना क्या है कि गूगल को करना है ओपन। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो कि गूगल ओपन हो चुका है। ओपन होने के बाद इसमें आपको सर्च करना है। तो यहाँ पे अगर आप सर्च करोगे, जैसे कि जो भी वेबसाइट का नाम आपको रखना है उस चीज को यहाँ पे आपको सर्च करना है। ठीक है, चलिए यहाँ पे मैं करता क्या हूँ कि हिंदी न्यूज लिख देता हूँ। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो कि मैं हिंदी न्यूज लिख दिया हूँ, तो बीच में जो है स्पेस बिल्कुल मत देना। ठीक है, जैसे कि ये स्पेस हो चुका है तो आप जो है इसको सटा देना। ठीक है, उसके बाद आपको करना क्या कि एंटर दबा के इसको सर्च कर देना है। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख रहे हो कि हिंदी न्यूज के नाम से बहुत सारा जो है यहाँ पे आर्टिकल है और वेबसाइट भी है। तो इस तरीके का अगर आप नाम रखते हो अपने वेबसाइट का तो होगा क्या कि ऐसे में रैंक नहीं करेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पहले से ही टॉप में देख सकते हो कि हिंदी न्यूज लिखा हुआ है, हिंदी न्यूज लिखा हुआ है, और उसके बाद नीचे में देख सकते हो कि बहुत सारा है हिंदी न्यूज के नाम से। तो दोस्तों यहाँ पे इस प्रकार का नाम बिल्कुल मत रखना। ठीक है, और यहाँ पे आपको बता दूं कि अगर आप नाम रखते हो, चलो कोई सा भी नाम, तो स्पेस नहीं देना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको करना क्या है कि एक ही लाइन में सारा वर्ड आना चाहिए। ठीक है, एक ही लाइन में, जैसे कि मैं आपको बता दूं, चलिए यहाँ पे ओपन करते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे कि ये जो है गूगल लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे गूगल लिख के आता है, लेकिन अभी 15 अगस्त चल रहा है तो यहाँ पे है क्या कि इस प्रकार से जो है फोटो है अभी, तो कोई बात नहीं। जैसे कि यहाँ पे चलो मैं लिखता हूँ। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो कि गूगल लिखा हुआ है। ठीक है, चलो मैं लिख देता हूँ गूगल मैंने लिख दिया है, और नीचे में देख सकते हो कि गूगल लिखा हुआ है। तो क्या है कि ये एक ही लाइन में है। अब दोस्तों यहाँ पे है क्या कि मेरे वेबसाइट का नाम है रिसर्च टेक न्यूज। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बता देता हूँ। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो दोस्तों कि यहाँ पे है क्या कि रिसर्च टेक न्यूज लिखा हुआ है। बाकी दोस्तों यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा कि इस प्रकार से नाम मत रखना। मुझे कोई बताने वाला नहीं था इसलिए हमने इस प्रकार से नाम रख लिया है, लेकिन चलो कोई बात नहीं। होता क्या है कि वेबसाइट रैंक होता है। ठीक है, लेकिन ज्यादा समय लगता है रैंक होने में। तो यहाँ पे एक वर्ड का जैसे रहेगा। ठीक है, वैसे तो मेरा डोमेन जब देखोगे तो पूरा सटा हुआ है, स्पेस नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से है। बाकी दोस्तों आपको बता दिया हूँ कि आपको करना क्या है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है YouTube, यहाँ पे नीचे देख रहे हो कि कनेवा लिखा हुआ है, उसके बाद देख सकते हो कि ब्लॉगर लिखा हुआ है। तो ये सब क्या है कि एक ही लाइन में नाम है।
तो ये सब वेबसाइट वैसे भी आपको पता है कि YouTube कितना रैंक करता है, कनेवा कितना रैंक करता है, ब्लॉगर कितना रैंक करता है, तो इससे आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए अब नाम रख लेते हो इस प्रकार से, ठीक है, गूगल में सर्च करके देखना, उसके बाद उस प्रकार का नाम अगर निकल के आएगा तो उस प्रकार से बिल्कुल मत रखना, नहीं तो दोस्तों होगा क्या कि आपका वेबसाइट जो है टॉप पे आएगा नहीं, ठीक है। यहाँ जैसे कि ये वेबसाइट है भास्कर और यहाँ पे लिखा हुआ है हिंदी न्यूज, तो ये वेबसाइट टॉप पे है। चलो इसको अगर आप पीछे कर देते हो तो कोई बात नहीं, इससे हार मान जाओगे, ठीक है। नीचे में फिर दूसरा लिंक है, ठीक है, इससे हार मान जाओगे। उसके बाद फिर दोस्तों नीचे आप देख सकते हो कि लिखा हुआ है हिंदी न्यूज, फिर देख सकते हो कि हिंदी न्यूज, कितने पोस्ट को आप नीचे करोगे अपने पोस्ट को टॉप पे लाने के लिए, तो यहाँ पे बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। और यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा कि सबसे अच्छा रहेगा कि इंटरनेट पे वो नाम है ही नहीं, ठीक है, उस प्रकार का नाम रखो तो वो अच्छा रहेगा, सबसे अच्छा, जो कि कभी भी इंटरनेट पे वो नाम आपने नहीं देखा होगा तो उसी नाम को रखो, चाहे वो नाम किसी भी प्रकार से है, उस नाम को देख के लोग हंसे या आपको चिढ़ाए या कुछ भी करे, लेकिन आप जो है अपने मर्जी से रखना जो इंटरनेट पे नाम हो ही ना, गूगल के सर्च इंजन में हो ही ना, ठीक है। चलिए यहाँ पे अब मैं आपको बता देता हूँ कि इस प्रकार का नाम रख लेते हो तो आगे क्या करना है। आगे जो है दोस्तों, जैसे आप ब्लॉगर पे वेबसाइट को क्रिएट करते हो तो वहाँ पे blogspot.com का डोमेन मिलता है, ठीक है, तो आपको blogspot.com के डोमेन पे ज्यादा दिन तक नहीं चलाना है, जब तक आप अच्छे तरीके से सीख नहीं जाते हो तब तक आपको चलाना है blogspot.com के डोमेन पे, या नहीं तो शुरुआत से ही अगर आप .in या .com का डोमेन लेके चलाते हो तो और भी अच्छी बात है। यहाँ पे दोस्तों नुकसान होता क्या है, जैसे कि अगर आप वेबसाइट चला रहे हो blogspot.com के डोमेन पे, तो बाद में चल के अगर आपका वेबसाइट रैंक हो जाता है तो यहाँ पे कोई ना कोई नज़रअंदाज आपके वेबसाइट पे करता रहता है, ठीक है। होता क्या है कि GoDaddy में जाता है या होस्टिंगर पे जाता है और उसके बाद करते क्या है, वो जो है डोमेन रजिस्टर कर लेते हैं, तो बाद में चल के जिस प्रकार से जो आपका वेबसाइट है तो उसका डोमेन आपको नहीं मिल पाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे आपको बता दिया हूँ। चलिए मैं यहाँ पे करता क्या हूँ दोस्तों, मेरे पास बहुत सारे भाई लोगों का जो है क्या है कि व्हाट्सएप पे यहाँ पे है क्या कि आता रहता है, ठीक है, मैसेज मैं आपको बता देता हूँ। तो जैसे कि स्क्रीन पे आप देख रहे हो, ठीक है, यहाँ पे मैसेज आता रहता है और यहाँ पे है क्या कि आपको दिखा देता हूँ एक चीज कि यहाँ पे डोमेन लेना आपको बहुत जरूरी है। डोमेन नहीं लेते हो तो बाद में चल के आपका वेबसाइट जो रैंक हो जाएगा तो कोई ना कोई आपके वेबसाइट का जो डोमेन है वो अपने नाम से रजिस्टर कर लेगा, ठीक है। यहाँ पे चलिए मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि ये है डोमेन, ठीक है, ये डोमेन है और आप स्क्रीन पे देख रहे हो, ठीक है। इस वीडियो को एंड तक देखते रहना, बहुत ही अच्छा वीडियो है और आपको बहुत सीख मिलेगा। वेबसाइट हमने ओपन किया, अब इसका जो URL है दोस्तों यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, इसका URL जो है दोस्तों यहाँ पे देख रहे होंगे, ज्ञानी ज्ञान गुरु, ठीक है, ज्ञानी ज्ञान गुरु। अगर यहाँ पे इसका मैं करता क्या हूँ कि URL कॉपी करता हूँ, ठीक है, अगर ये डोमेन अगर अभी ले लेते हैं तो अच्छी बात है। तो दोस्तों यहाँ पे है क्या कि ज्ञान ज्ञानी गुरु को हमने क्या किया है कि कॉपी कर लिया है, ठीक है, कॉपी मतलब उसका टेक्स्ट कॉपी कर लिया है। कॉपी करने के बाद यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमने लिख दिया है ज्ञान ज्ञानी गुरु, ठीक है। तो यहाँ पे अब मैं इसे सर्च करता हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ और यहाँ पे देखता हूँ डोमेन अवेलेबल है कि नहीं है, तो पक्का है कि डोमेन होगा ही होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि सबसे पहला जो डोमेन निकला है वो टॉप लेवल का डोमेन है .in ज्ञान ज्ञानी गुरु, और दूसरा जो आप देख सकते हो ये भी टॉप लेवल का डोमेन है ज्ञान ज्ञानी गुरु .com। तो दोस्तों यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा कि ऐसा गलती बिल्कुल मत करना, ठीक है, अगर आपका वेबसाइट रैंक हो रहा है, अच्छा खासा व्यूज आ रहा है, तो आप जो है डोमेन ले लो, नहीं तो बाद में चल के अगर कोई रजिस्टर कर लेगा डोमेन तो दिक्कत हो जाएगा, फिर वो डोमेन आपको नहीं मिल पाएगा। तो यहाँ पे अगर आप blogspot.com पे काम करते हो तो आपको काम करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक चीज ये भी ध्यान रखना है कि आपको जो है डोमेन लेके काम करना है, ये जो है आपका प्रॉपर्टी होता है, अगर इस डोमेन को ले लेते हो तो ये जो है आपके आधार कार्ड होता है, जो भी आपका डॉक्यूमेंट होता है, प्रूफ होता है, उस पे रजिस्टर होता है। बाद में चल के अगर आपका ये डोमेन कहीं इधर उधर हो जाता है तो आप जो है प्रूफ के लिए दिखा सकते हो कि भाई ये मेरा डोमेन है, ठीक है,
तो ये जो है प्रॉपर्टी होता है दोस्तों। इंटरनेट पे जो सबसे अच्छा जरिया है पैसे कमाने का वो ब्लॉगिंग है, ठीक है, मैं आपको बता दिया हूँ ब्लॉगिंग है। लेकिन ब्लॉगिंग के फील्ड में बहुत कुछ ध्यान भी रखना पड़ता है, तो यहाँ पे आपको ये सब चीज ध्यान रखना है, नहीं तो बाद में चल के नुकसान हो जाएगा अगर कोई रजिस्टर कर लेगा तो। यहाँ पे दोस्तों थोड़े बहुत अगर पैसे इन्वेस्ट होता है तो कर लेना चाहिए, इससे कोई दिक्कत नहीं होता है, क्योंकि ये अगर इन्वेस्ट कर लोगे इस डोमेन का प्राइस ही कितना होगा दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हो 149 रुपया है, ठीक है, बाकी 199 रुपया है। अगर आप डोमेन रजिस्टर करना चाहते हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होस्टिंगर का लिंक दे दिया हूँ, तो उस पे क्लिक करके आप जो है क्या करना कि डोमेन रजिस्टर कर लेना। बाकी यहाँ पे आप देख सकते हो कि इंडिया इंग्लिश है, तो यहाँ पे क्लिक करके आप जो है अपना भाषा जो है सेलेक्ट कर लेना, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो इतना सारा भाषा है, तो आप अपना सेलेक्ट कर लेना। वैसे अगर नीचे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके क्लिक करोगे तो US डॉलर में आपको रेट दिखेगा, तो यहाँ पे इंडिया इंग्लिश कर लेना। बाकी एक बात आपको बता दे रहा हूँ कि ये जो है कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है, ठीक है, अगर आपको डोमेन लेना है तो लो, नहीं लेना है तो कोई बात नहीं, आपका मर्जी है। तो यहाँ पे जो भी बात था मैंने आपको बता दिया है कि अगर आप वेबसाइट को क्रिएट करते हो तो आप जो है शुरुआत से ही डोमेन लेके काम करो तो सबसे अच्छा रहेगा। बाकी दोस्तों अगर आप डोमेन का नाम देते हो तो आपको जो है बीच में कुछ भी स्पेस नहीं देना है, एक ही लाइन में जो है नाम होना चाहिए। अगर इस तरीके से रखते हो तो गूगल पे अगर कोई सर्च करता है तो एक बार में जो है आपका नाम टॉप पर आता है। और दूसरी बात, अगर आप यहाँ पे डोमेन लेके काम करते हो तो यहाँ पे सही रहेगा दोस्तों। तो चलिए यहाँ पे जो भी जानकारी था आपको हमने बता दिया है, अगर ये जानकारी सही लगा होगा तो इस वीडियो को कर देना है लाइक, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल को कर देना है सब्सक्राइब। सब्सक्राइब करने से ये फायदा होगा कि आगे मैं इस चैनल पे जो भी वीडियो अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं अगले वीडियो में।